मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त हम आपको राजस्थान से खबर बता दें। राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ये भीषण सड़क हादसा कैथवाड़ा थाना इलाके में झेंझपुरी के पास का है। ये हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कंटेनर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में स्कूटी भी आ गई। हादसा इतना भीषण था कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंटेनर के ड्राइवर का भी मौके पर मौत बताई जा रही है। इस वक्त हम आपको राजस्थान से खबर बता रहे हैं, जहां राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ये भीषण सड़क हादसा कैथवाड़ा थाना इलाके में झेंझपुरी के पास का है। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कंटेनर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में स्कूटी भी आ गई। हादसा इतना भीषण था कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंटेनर के ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई। इस वक्त हम आपको राजस्थान के भरतपुर से खबर बता रहे हैं, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह भीषण सड़क हादसा कैथवाड़ा थाना इलाके में झेंझपुरी के पास का है। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कंटेनर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में स्कूटी भी आ गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कंटेनर के ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई। इस वक्त हम आपको राजस्थान के भरतपुर से खबर बता रहे हैं, जहां राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह भीषण सड़क हादसा कैथवाड़ा थाना इलाके में झेंझपुरी के पास का है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता तालीम जुड़ चुके हैं। तालीम, क्या है पूरा मामला और इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि ये एक नुहू निवासी एक लड़का था, यहाँ पे क्लिनिक खोल रखा था। तो जो एक दूसरा क्लिनिक इन्होंने हाल ही में ओपन किया था, तो वहाँ से देर रात्रि को अपने एक मेडिकल पे वापसी लौट रहा था। तो जैसे ही एक ट्रैक्टर और कंटेनर ट्रक था, जो दोनों से आमने सामने से भिड़ंत हुई थी, और जिस कारण इनकी स्कूटी थी जो वो बीच में आके एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई थी, जो की एक पति और पत्नी और एक उस साली थी, तीनों ने जान गंवाई थी, और जो ट्रक चालक था उन्होंने भी उपचार के दौरान अपनी जान गंवा दी। जी तालीम, पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवारजनों को सुपुर्द कर दिए। मृतकों के परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया? जी अभी तक तो कोई नहीं आया, क्योंकि वो हरियाणा निवासी थे, तो उनके जो परिवारजन थे उन सबों को लेकर हरियाणा के लिए रवाना हो चुके। इस हादसे के पीछे का असल कारण क्या बताया जा रहा है? अभी तक हालांकि पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन सुनाई में यह भी आ रहा था कि जो कंटेनर जो चालक था कि उन्होंने एक नशे में आकर के गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, तो ये भी कई सारी अभी बातें निकल के आई थी, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हम आपको राजस्थान के भरतपुर से खबर बता रहे थे, जहां भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह भीषण सड़क हादसा कैथवाड़ा थाना इलाके में झेंझपुरी के पास का है। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कंटेनर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में स्कूटी भी आ गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।